गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट योर एसएसटी बुक, नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स विद यू। यस्टरडे वी वर रीडिंग चैप्टर 9 आर स्कूल। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। स्कूल इज आवर सेकेंड होम। ओके, इन स्कूल वी लर्न वेरियस थिंग्स। We learn how to read and write. We learn different subjects. We learn dance and music, drawing and craft. We learn different. We learn good manners also, and different activities also in school. Okay. Yesterday I told you about teaching staff. There are two type of staff: teaching and non-teaching. Teaching staff, teachers; non-teaching staff, office side people and gardener, sweeper, watchman. Okay. Today I will explain school staff in details. Okay, are you ready? Very good. All of you, look at the blackboard. What is this? Yes, this is the picture of train. What is this? This is the picture of train. Do you see train? Yes. Okay. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रेन से इंजन को हटा दे, तो क्या ये ट्रेन चल सकती है, रन कर सकती है? रन कर सकती है? नहीं रन करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। और इंजन क्या करता है? इस पूरी ट्रेन को एक साथ लेके रन करता है। करता है ना? तो सेम प्रिंसिपल इज लाइक अ इंजन, ही इज द हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल क्या है? लाइक अ इंजन, वो इंजन की तरह से पूरी ट्रेन को, पूरे स्कूल को एक साथ लेकर चलते हैं, ऑल एक्टिविटीज कराते हैं। ओके, गाइडेंस करते हैं, हमको गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो प्रिंसिपल ही इज द हेड ऑफ द स्कूल एंड प्रिंसिपल इज लाइक अ इंजन। प्रिंसिपल क्या है? इंजन की तरह से, जो सभी कोचेस, सभी पैसेंजर, सबको साथ में लेकर चलते हैं। ओके, एंड टीचर्स क्या है? टीचर्स आर लाइक कोचेस। टीचर्स क्या है? कोच है, बोगी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर्स हैं। ओके, और आप क्या हैं? आप पैसेंजर हैं। स्टूडेंट्स क्या हैं? पैसेंजर हैं, जो आते हैं स्कूल में, एडमिशन लेते हैं, और टीचर्स और प्रिंसिपल सब आपको मिलकर क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं आपके एम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अंडरस्टैंड? तो प्रिंसिपल, इट मीन्स प्रिंसिपल इज लाइक अ इंजन, टीचर्स आर लाइक कोचेस एंड स्टूडेंट्स आर लाइक अ पैसेंजर। आप एक पैसेंजर की तरह से ट्रेन में आते हैं, सवार होते हैं। अंडरस्टूड? ये सॉरी सो प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, ही और शी, ये आपके ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं, ही मीन्स मेल एंड शी मीन्स फीमेल। ओके, ही और शी लुक्स आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज इन द स्कूल। जिस स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो उसको देख करते हैं। हम लोग उनके गाइड हैं, उनके अंडर उनके वो हमको गाइड करते हैं कि कैसे हमको क्या करना चाहिए। ओके, और टीचर्स क्या है? कोच की तरह से आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको टीच करते हैं। और आप क्या हैं? पैसेंजर हैं। स्टूडेंट्स क्या हैं? लाइक अ पैसेंजर। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? कभी आपने सुना है कि अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है और स्कूल चल रहा है, ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है ना। एवरी स्कूल हैज प्रिंसिपल, हर स्कूल के पास एक प्रिंसिपल होता है। क्यों? क्योंकि वो उनको गाइड करता है। हम सबको एक दिशा निर्देश देने के लिए, कमांड देने के लिए प्रिंसिपल होते हैं। ओके, अगर मैं इसको एक और दूसरे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एट होम आप अपने घर में क्या देखते हैं? पापा, आपके पापा क्या करते हैं? गाइड करते हैं, हेड, ही इज द हेड ऑफ योर हाउस। आपके घर के हेड कौन है? मुखिया कौन है? आपके पापा हैं। ओके, इन सम फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? गाइड करते हैं कैसे क्या करना है। और मदर क्या करती है? लाइक अ टीचर, वो आपको पढ़ाती हैं, आपकी अदर एक्टिविटीज जो भी आपके काम होते हैं वो आपको हेल्प करती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड
कि प्रिंसिपल इज लाइक अ इंजन, ही इज द हेड ऑफ द स्कूल। बिना प्रिंसिपल के कोई भी स्कूल रन नहीं कर सकता, लाइक बिना इंजन के कोई भी ट्रेन कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ वो एक जगह खड़ी रह सकती है। सेम थिंग, अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है तो स्कूल नहीं चल सकता है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। अंडरस्टैंड, समझ गए? और टीचर्स आर कोचेस एंड यू आर पैसेंजर। अंडरस्टैंड? और इसके अलावा क्या होते हैं? ऑफिस स्टाफ होते हैं जो आपकी, ये तो मैंने टीचिंग स्टाफ की बात की, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या, ऑफिस स्टाफ जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको फीस कैसे एडमिशन लेना है, कैसे फीस जमा करना है। अंडरस्टैंड? और उसके गार्डनर होते हैं जो स्कूल के पेड़ पौधों की, गार्डनर का क्या काम होता है, माली जो स्कूल के गार्डन की देखभाल करता है, वॉचमैन होता है, ओके, स्वीपर होते हैं जो स्कूल की साफ सफाई करते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? यस, प्लीज टेल मी हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? यस, प्रिंसिपल। हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? प्रिंसिपल। Understand? Tomorrow we will continue the same chapter. Now it's time to leave. Stay home, stay safe. Thank you. Bye-bye.